हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हर्ष और स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एजुकेटर्स प्लस पर। फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड की आज की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, और इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। आज के पार्ट में मैं आपको जनरल मेथड्स बताऊँगा हायर एजुकेशन के, और कमिंग टू पार्ट्स में आपको इन सारे मैथड्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा एज़ पर UGC स्टैंडर्ड्स। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले टीचिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। जैसे किसी भी काम को करने का हमारा मेथड होता है, खाना बनाने का अलग एक मेथड होता है, अलग अलग लोगों का अलग मेथड होता है, उसी तरीके से टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। शिक्षण विधियाँ होती हैं। टीचिंग मेथड रेफर्स टू जनरल प्रिंसिपल्स, पेडागोजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हम प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का, या शिक्षण शास्त्र की विधियों का, या मैनेजमेंट नियोजन स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, उन सबको मिलाकर के बनता है एक टीचिंग मेथड। अब दो तरीके की अप्रोचेस हैं हमारे सामने एग्जाम में, एक है टीचर सेंटर्ड अप्रोच और दूसरी है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो इसकी USP होती है कि इसमें कंट्रोल टीचर के पास है और टीचर ज़्यादा एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव लर्नर की तरह पैसिवली रिसीव करेगा नॉलेज को फ्रॉम टीचर्स थ्रू ईदर लेक्चर्स या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, यहाँ पर टीचर इज स्टिल एन अथॉरिटी फिगर इन ए स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मॉडल। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स प्ले इक्वली एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ दोनों अप्रोचेस में, कि इसमें स्टूडेंट पैसिव और इसमें स्टूडेंट भी एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। द टीचर्स प्राइमरी रोल इज टू ट्रेन एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर क्या होगा, फैसिलिटेटर, एंड ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मटेरियल एंड टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। इवैल्यूएशन भी उसी तरीके का होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल, लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट, स्टूडेंट पोर्टफोलियोज एंड क्लास पार्टिसिपेशन। इन ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम टीचिंग एंड असेसमेंट आर कनेक्टेड बिकॉज स्टूडेंट लर्निंग इज कंटिन्यूसली मेजर्ड ड्यूरिंग टीचर इंस्ट्रक्शन, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो या समेटिव असेसमेंट हो, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हो, इवेल्युएशन हो, उसके द्वारा टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच परिचालित होती है। तो कहने का मतलब क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पर कंट्रोल जो होगा टीचर के पास होगा, टीचर विल बी एक्टिव, एंड यहाँ पर स्टूडेंट विल बी एक्टिव इन द लर्निंग प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उन सबको समझने के लिए हमने इस तरीके से डिवाइड करते हैं इन चीज़ों को कि हम समझें सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है हायर लेवल पर, या स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी हायर एजुकेशन में या किसी भी एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहली है द एबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट नॉलेज। सबसे पहली चीज़ नॉलेज ट्रांजेक्शन, नॉलेज ट्रांजेक्शन। भाई, टीचर के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान बच्चों को, वो तथ्य बच्चों को बताने हैं, तो नॉलेज ट्रांजेक्शन होगा। तो कुछ मेथड्स होंगे जो इसको फॉलो करेंगे। दूसरा है एबिलिटी टू यूज़ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। जो सूचना बच्चों तक पहुंची है या बच्चों तक है, या जो बच्चों के कुछ आइडियाज़ हैं उनका किस तरीके से प्रयोग करें, तो कुछ मेथड्स होंगे अलग अलग जो इसको फॉलो करते होंगे। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू टेस्ट आइडियाज़ एंड एविडेंस। जो आइडिया है उसको किस तरीके से टेस्ट करें, या जो एविडेंसेस हैं या हाइपोथेसिस हैं या बच्चों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से इंड्यूस करने वाले, इनकलकेट करने वाले कुछ मेथड्स होंगे। कुछ होंगे जो एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी को बूस्ट करते होंगे। कुछ मेथड्स होंगे जो एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू प्लान एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग, कि भाई बालक अपने अधिगम को खुद नियोजित करें और कैसे मैनेज करें अपनी लर्निंग को, ठीक है। इसके कुछ मेथड्स होंगे जिसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, मेटाकॉग्निशन, ठीक है। नाउ देर आर सम मेथड्स विच फोकस ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन छह जो उद्देश्य हैं शिक्षण के हायर एजुकेशन में या हायर
किसी भी एजुकेशन सिस्टम में इन एबिलिटीज को, या मैं कहूँ इन एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग उप विषय को लेकर के अलग अलग विधियां हैं, तो उनको हम जानेंगे जरा। सबसे पहले हमने लिया एबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट नॉलेज, या नॉलेज ट्रांजेक्शन के लिए कौन कौन से तरीके मैथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्स्ट बुक्स हो गया, रीडिंग हो गया, हैंडआउट्स हो गया, या सोर्स मेथड हो गया। देखिए ये सारे मेथड्स मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। देन हमारे पास लेक्चर्स हो गए या गेस्ट लेक्चर्स हो गए। देन ड्रिल्स, असाइनमेंट, एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्स फाइंडिंग अप टू डेट फैक्ट्स और नॉलेज, इस तरीके का जहाँ पर बच्चे को अप टू डेट नॉलेज या कुछ फैक्ट्स ढूंढने हों उनसे रिलेटेड काम, तो हम ड्रिल मेथड यूज़ करते हैं, असाइनमेंट्स यूज़ करते हैं या एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। डायरेक्टेड स्टडी या गाइडेड इंस्ट्रक्शन, टीचर के निर्देशन में बच्चा पढ़ रहा है। ओपन लर्निंग मटेरियल्स यूजिंग लाइब्रेरी एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक, ये चीज़ें किस में आई, ब्रॉडकास्ट नॉलेज। नेक्स्ट वी हैव डिडक्टिव मैथड। अब देखिए डिडक्टिव मैथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। डिडक्टिव मैथड के क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से ये फॉलो होता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, इन चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझना जरूरी ये है दैट दिस इज रिलेटेड विद एबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट नॉलेज एंड यूज ऑफ इंटरनेट, जो आप सब लोग कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड एम था एबिलिटी टू यूज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। इसमें किस किस तरीके के मेथड्स होंगे, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि जिसको बोलते हैं, ठीक, आगमन विधि कैसे काम करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म कर होती है, कैसे बच्चे के आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को यूज करने में हेल्प करती है, और कैसे बालक इसके द्वारा पढ़ता है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, प्रैक्टिकल या वर्क एक्सपीरियंस। देखिए पिछले वाले में था लेक्चर मैथड, यहाँ पर है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। देन वी हैव प्रोजेक्ट मैथड, कोलैबोरेटिव स्टडीज, डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, या इन दोनों को बोल देते हैं हम डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्ट का मतलब है जहाँ भी संवाद होगा, जहाँ भी कन्वर्सेशन होगी, तो जाहिर सी बात है ग्रुप डिस्कशन कहो या क्वेश्चन आंसर मेथड कहो या सिर्फ क्वेश्चन मेथड भी होता है एक, उसकी बात करेंगे यहाँ पर। वी हैव क्रिएटिव राइटिंग और कम्युनिकेटिव अप्रोच। देन वी हैव वर्कशॉप्स, मॉकअप्स, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, ठीक। देन वी हैव केस स्टडीज, कोऑपरेटिव टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग या वर्बल और ओरल टेस्टिमनीज या वर्बल और ओरल मेथड, किस तरीके से आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन का यूज सिखाने के लिए अलग अलग विधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। देन वी हैव थर्ड एबिलिटी टू टेस्ट आइडियाज़ एंड एविडेंस, ठीक। प्रेजेंटेशंस आते हैं इसमें, सेमिनार्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, सिम्पोजियम हैं, ओपन लर्निंग है, पीयर ट्यूटरिंग है, सेल्फ स्टडी या सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन। देन ट्यूटोरियल मेथड शामिल है इसमें, ठीक। ट्यूटोरियल मेथड का किस तरीके से टीचर यूज करता है वो इसमें डिस्कस करेंगे। देन वी हैव डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टेस्टिंग। प्रोग्नोस्टिक का मतलब हुआ अचीवमेंट टेस्टिंग, और डायग्नोस्टिक का मतलब हुआ जहाँ भी कहीं बच्चे को उपचार की ज़रूरत है या निदान की ज़रूरत है, कहाँ उसके लर्निंग में समस्या आ रही है, उससे रिलेटेड मेथड है। देन वी हैव द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त चिंतन की योग्यता बढ़ाने वाले, या इस विधि का इस आधार पर कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं। टेक्निक ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन किस तरीके से बालक को सिखाया जाए, उसमें आता हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग या जिसको बोलते हैं मानसिक उत्प्लवन। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, कैसे टीचर पढ़ाता है इसके थ्रू। एक्शन लर्निंग, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कार्यात्मक अनुसंधान, ठीक। माइंड मैपिंग एंड विजुअलाइजेशन, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री जब हम पढ़ाते हैं तो विजुअलाइजेशन का बहुत यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा वैन हीली मॉडल है जो कि विजुअलाइजेशन पर ही काम करता है, तो किस तरीके से पढ़ाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड, या हिंदी में जिसको हम कहते हैं अन्वेषण विधि या
खोज विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मेथड की बात करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अगेन एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही जुड़ा हुआ है, उसी के जैसा है, या लिटरल थिंकिंग मेथड। ओके, देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू प्लान एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग, स्वाध्याय की तरफ कैसे बढ़ा जाए, कैसे बालक खुद काम करे, खुद अपने लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास डाल्टन प्लान या डाल्टन मेथड या लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिपेंडेंट स्टडी, रिफ्लेक्टिव लॉग्स आते हैं हमारे पास। क्या होते हैं रिफ्लेक्टिव लॉग? इट इज़ एसेंशियली ए लॉग और डायरी दैट कंटेन्स रेगुलर एंट्रीज बाय द स्टूडेंट डिटेलिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस विद रिगार्ड टू देयर लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया को लेकर के बालक के मन में क्या क्या विवेचनाएं चल रही हैं, उनको जब वो मैनेज करता है, लिखता है या उनको अलग अलग समायोजित करता है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव लॉग। तो कैसे काम करता है रिफ्लेक्टिव लॉग, बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी हमें समझना है कि ये किस एबिलिटी से जुड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट्स एंड डिजर्टेशंस, सिंथेटिक मैथड, संश्लेषणात्मक विधि या एनालिटिकल मेथड, विश्लेषणात्मक विधि, ठीक। अलग अलग विषयों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है इन दोनों मेथड्स के थ्रू। देन नाउ, अब लास्ट में हमारे पास आया एक एम ऑफ एजुकेशन जो था, वो है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं कार्य करके सीखना, या जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग या एक्शन लर्निंग। देन वी हैव एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एम्पेरिकल लर्निंग या एम्पेरिसिज्म, अनुभवात्मक लर्निंग बाय डूइंग कैसे डिफरेंट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, इसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव रोल प्लेइंग गेम्स एंड सिमुलेटेड टीचिंग या सिमुलेशंस। सिमुलेशंस क्या होते हैं? एट लास्ट वी हैव प्रोफाइलिंग एंड पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये थे बहुत सारे टीचिंग मेथड्स जिनका हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा भी कुछ टीचिंग मेथड्स हैं जो कि कमिंग वीडियोस में हम इन डिटेल बात करेंगे, कैसे एक विधि से अध्यापक पढ़ाता है, ठीक है। इसी के साथ मैं हर्षवर्धन सिंह अपनी वाणी को विराम दूंगा, मिलता हूँ नए वीडियो में।